हाय गाइस, वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेलिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम, यानी कि सर्किल बनाने के लिए एल्गोरिथम की नीड होती है, तो वो होती है मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो है सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम। इसकी तरह काफ़ी सारे एल्गोरिथम है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इसलिए हम ये वाले पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। किसी भी सर्किल का सेंटर होता है, उसका कोऑर्डिनेशन होता है एक्स सी एंड वाई सी, ओके। एंड इसकी इक्वेशन निकालने की होती है एक्स माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज योर रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। आप सपोज कीजिए आप इमेज बना रहे हो पर्टिकुलर, ओके। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, तो यहाँ पे आप सर्किल बनाने के लिए आपको क्या है, यहाँ पिक्सल के अंदर कई बार क्या होता है, स्पेसिंग के कारण क्या होता है, एक सेकेंड, ऐसे ऐसे डॉट से बन जाते हैं सर्किल के लिए, ओके। फिर इन सबको जोड़ते तो सर्किल बनता है वो, तो इसमें स्पेसिंग का इशू रह जाता है, तो उसको घटाने के लिए अपन क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेशन यूज़ करने लग जाते हैं सर्किल के। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू एक्स सी प्लस आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू वाई सी प्लस आर साइन थीटा, ओके। अब देखिए मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम, तो इन्हीं सभी को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, उसका नाम है मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम। नाम से पता चल रहा है मिड पॉइंट फाइंड आउट कर करके हमें इसको करना है। तो इट इज़ अ मेथड फॉर डायरेक्ट डिस्टेंस कंपेरिजन इज टू टेस्ट द हाफ वे पोजिशन बिटवीन टू पिक्सल टू डिटरमाइन इफ द मिड पॉइंट इज इनसाइड और आउटसाइड द सर्किल बाउंड्री। यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ का डिस्टेंस आप निकाल रहे हो और उसका कंपेरिजन कर रहे हो दो पिक्सल्स का, मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको, अलग अलग होते, तो इन दोनों की डिस्टेंस निकाल रहे हो, सपोज करो इन दोनों पिक्सल की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो वो उसमें आप जो मिड पॉइंट है उसको चेक करोगे कि क्या वो सर्किल के अंदर निकला है पॉइंट या बाहर निकला है, तो वही है मिड पॉइंट। और इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इससे हमको पॉइंट का पता चल जाता है लोकेशन, तो यहां पे अगर पोजीशन इनसाइड होगी कब, जब लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन होगी तो आउटसाइड है, और इक्वल टू है तो यानी बाउंड्री पर ही पॉइंट है, वो सर्किल की बाउंड्री पर ही वो पॉइंट है। तो अब अपन देखेंगे एल्गोरिथम, वो ध्यान से देखना और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ करेंगे, ओके। सबसे पहला स्टेप है एल्गोरिथम का रेडियस को फाइंड आउट करना। रेडियस आपकी गिवन होती है एग्जाम के अंदर, फिर आपका होता है पहले जो कोऑर्डिनेशन होते हैं ऑलरेडी वो होते हैं 0, r, तो 0, r यानी 0, 10 हो जाता है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है पी ऑफ 0 इक्वल टू 1 r होता है, तो 1 - 10 इक्वल टू -9 आ गया। अब देखिए, अब अगर ये नेगेटिव आता है यानी लेस देन 0 आता है, तब आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, तब आपके x में इंक्रीमेंट होगा, y में नहीं होगा, ठीक है। एल्स वाले केस में यानी कि इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तब आपको एक्स में इंक्रीमेंट करना है और वाई में डिक्रीमेंट करना है, और आपको नेक्स्ट पी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, और एल्स वाले केस में यही फॉर्मूला है, बस माइनस में 2yk+1 कर दिया। अब ये xk+1 ये नेक्स्ट वाला कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए इन्होंने बता रहा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2x वो x ऑफ k प्लस 2 और इसमें -2 आ जाता है। अब अपन करके देखते हैं, मेरी आई नेगेटिव वैल्यू, ओके, तो नेगेटिव केस में मेरा यह इंक्रीमेंट होगा, ये कितना है 0, 10, तो ये वैल्यू हो गई 1, 10 पहली बात। नेक्स्ट की वैल्यू निकालता हूँ मैं, यहाँ 1, 2, 3, 4 नहीं लिखूंगा, चलो स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, पी ऑफ 0 की वैल्यू -9 प्लस 2 ऑफ k प्लस 1, इसकी वैल्यू निकलती है 2 ऑफ k प्लस 2, तो अभी k की वैल्यू चल रही है 0, ठीक है, तो इस x ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो 2 ऑफ 0 0 प्लस 2, तो फाइनली आंसर मिल गया 2। ध्यान रखना बेटा, ये 2 ऑफ के एक्स प्लस 1 एक साथ है, आप बाद में 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना इसको, क्योंकि फॉर्मूले में यही गिवन है, ओके। इस चीज़ का बस खास कर ध्यान रखना, यही गलती होगी, कहीं होगी और कहीं पे आपकी गलती नहीं होने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। कितनी वैल्यू निकली -6, ओके, -6 निकला। अब देखिए स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 बोलता है कि जो भी आपके सिमेट्रिक पॉइंट है उसके अलग से 7 और ऑक्टेंट निकालें, 7 ऑक्टेंट और निकालने हैं। इसका मीनिंग आपको तब समझ में आएगा जब आप सारे पॉइंट निकाल लोगे, उसके बाद आपको सभी को सेंट्रलाइज करके इनमें वाई सी और एक्स सी, अगर ये गिवन है पेपर में, देखो अगर क्वेश्चन में एक्स सी और वाई सी गिवन है तो दोनों ऐड करोगे, अदरवाइज 0, 0 कंसिडर करके चलोगे, और आपको रिपीट करना है पूरा स्टेप 3, यानी दोबारा से वही माइनस आ गया तो दोबारा वही प्रोसेस चलेगी 3 से, कब तक, जब x और y इक्वल या ग्रेटर देन ना हो जाए, फिर अपन इस पॉइंट पर आते हैं लास्ट में। तो कुल मिला के हमको यहीं से सारा को ऑपरेट करना है, वहाँ पर पहले अपन को सारे पॉइंट निकालने, फिर उसके सिमेट्रिक पॉइंट से दोबारा नए 7 ऑक्टेंट बनाने, वो भी सिखाऊंगा, फिर टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ। तो -6 आ गया, तो अपन को पता है लेस देन है, अगेन नए पॉइंट बन गए, तो ये क्या बन गया 2, 10, ओके। सो पी 2 की वैल्यू कितनी आ गई -6 प्लस, अब देखो यहाँ पे नए बन गए हैं,
तो टू ऑफ के प्लस वन यानी एक जस्ट पहले वाला, टू मल्टीप्लाई बाई इधर कितना है टू, तो ये आएगा आपका टू आएगा, सॉरी टू नहीं आएगा वन आएगा, वन आएगा क्योंकि ये वाला तो अपन ने अभी अभी लेटेस्ट निकाला है 1,10 के थ्रू, और ऐसे 0,10 के थ्रू अपन ने ये निकाला था। तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई, तो टू मल्टीप्लाई बाई वन प्लस टू इक्वल टू फोर, तो टोटल आ गया यहाँ पे फोर और प्लस में वन, विच इज इक्वल टू माइनस वन, अगेन नेगेटिव। तो अब अपन निकालेंगे 8 2,10 पर, तो नेगेटिव आते तो इंक्रीमेंट होता है किस में, एक्स में, तो 3,10 हो गया। और पी थ्री की वैल्यू बताओ फटाफट, माइनस वन प्लस, अब देखो यहाँ पे 2,10 है तो टू, तो टू टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस वन, तो आंसर आ गया आपका सिक्स। इस बार आपका है पॉजिटिव, किस पर है, 8 3,10 पर है, आ गया मेरा पॉजिटिव। आ रहा है मजा क्वेश्चन करने में, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो इसमें आपका एक्स को इंक्रीमेंट करना है, वाई को डिक्रीमेंट करना है, तो एक्स को इंक्रीमेंट करके फोर और यू बन गया अपना नाइन, ठीक है। अब इसकी पी फोर की वैल्यू निकालते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो, ठीक है ये तो पूरा वो का वही है ना, तो इसको निकालने के लिए आपको इसकी लेटेस्ट वैल्यू सिक्स प्लस, ठीक है थ्री है, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्स प्लस टू एट प्लस वन, ओके माइनस में ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो देखो इसको निकालने का, यहाँ पे निकाल लेते हैं टू मल्टीप्लाई बाई के, तो इतना क्या है टेन, ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस टू एटीन, एटीन हो गया, ओके। सो देखिए कितना हुआ, फोर्टीन प्लस फिफ्टीन माइनस, और माइनस का थ्री आएगा आई थिंक, हाँ 15 माइनस 18 माइनस का 3 आ गया। अब देखिए अगेन नेगेटिव आ गया, तो आपको क्या करना है, 8 4,9 पर, वही इसमें क्या होता है एक ही इंक्रीमेंट होता है कौन, x, तो 5,9 आ गया, ठीक है। एंड पी फाइव निकालोगे आप, माइनस के 3 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2 10 प्लस में 1 ओनली, ठीक है। तो इस बार कितना आ गया, 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 8। नाउ दिस इज पॉजिटिव गाइज, पॉजिटिव है तो ये वाला आएगा, इसमें एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट, तो ये सिक्स और ये हो जाएगा कितना, एट, सिक्स और एट हो जाएगा एट, 6,8, एक सेकेंड, ओके। सो पी सिक्स की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी, यहाँ पर आ गई आपकी, देखो मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप पॉज कर करके वीडियो देख सको, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेस्ट है 8 प्लस, ठीक है, तो 2k प्लस 1 ऐड होता है, तो देखो ये था अपना सिक्स, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 माइनस में, ठीक है ये डालना है अपन को, तो ये इसकी वैल्यू ये है, ये अपनी 8, ठीक है। सो 16 माइनस 2 14, तो देखो 14 से 14 कट गया और हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया, ओके। तो 9 मिला है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के केस में क्या होता है, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट, यहाँ पे कर लेता हूँ ना, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी आ गई, तो देखो 8 नया वैल्यू यहाँ पे क्या मिला लिखना है, बोल गया 7,7, तो देखिए 7,7, ओहो रुको सर रुको, क्या हो गया सर, मैंने एक स्टेप पढ़ा था शायद 6 या 7 था, उसमें लगा था कि रिपीट स्टेप 3 अनटिल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे देखो सर 7,7 हो रहा है, इट मीन्स हमको और अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, 7,7 आ गया तो हमें और लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो हमें सारे पॉइंट मिल चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेता हूँ, देखो 0,10 1,10 2,10 3,10 4,9 5,9 और 6,8, ठीक है ये सब है, इसको टेबल में डाल दो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने इस तरह का डायग्राम बना दिया, इस तरह की टेबल बना दी है, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, k इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 P6 तक गया था मेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, k प्लस 1 और k प्लस 1 की वैल्यू है, इसलिए मैंने टेबल में 7,7 कंसीडर किया है, यानी कि 0,10 पे क्या मिला था, 1,10 और इन दोनों की वैल्यू ये थी, और पी के की वैल्यू मेरी माइनस 9 थी, 1,10 पे मुझे मिला 2,10, ऐसे 2,10 पे 3,10 और 3,10 पे मुझे मिला था 4,9 और ऐसे ही 4,9 पे मुझे मिला था 5,9 और फिर 5 पर 6,8 और 6 पे 7,7, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर लिया, ओके। और ये पी की मेरी सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, 2x प्लस 1 और 2y एक्स के प्लस 1 तक की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये था ऑक्टेंट 1, स्टेप नंबर 4 कह रहा है कि सिमेट्रिक ढूंढ के उनके एक और 7 ऑक्टेंट बना रहे, ये कितने हैं टोटल, 0 से 6 तक 7 है, इन्हीं का जस्ट सिमेट्रिक पॉइंट बनाने, अब देखो इनको ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है।
तो इनमें मैंने क्या करा, 1,10, लेकिन एक्चुअल में 0,10 कंसीडर था और 7,7 नहीं था, क्योंकि ये के प्लस वन की वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए, एक्स ऑफ के, वाई ऑफ के। तो ये रहे मेरे एक्स ऑफ के और वाई ऑफ के, 0,10 और 6,8 तक। सिमेट्री में क्या होता है, इन जस्ट इन दोनों को रिवर्स करना है, 8,6 और ऊपर ही ऊपर उल्टा स्टार्ट करना है, ठीक है। इसी प्रकार 5,9 क्या हो गया, 9,5, 4,9 क्या हो गया, 9,4 हो गया, 10, 3,10, 10,3, 2,10, 10,2, 1,10, 10,1, 0,10, 10,0, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ के अंदर आप जैसे ये लाइंस होती है ना, ये आपकी हर जो एक कॉलम है, हर एक ब्लॉक है, वो एक तरह से पिक्सल की तरह कंसिडर करते हैं अपन। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 0, 1, 2, ठीक है, 10 तक आ गया। अब यहाँ पे देखो, 0,10 पे, 0,10 पे ये एक आपका सर्किल बन रहा है, 1,10 पे एक सर्किल, 2,10 पे, 3,10 पे। तो इनके ब्लॉक्स में से ये लाइन टच होती हुई जा रही है, तो इस तरह से एक ये हमारा स्लोप बनाती हुई जा रही है। और इसका मिड पॉइंट मैं ढूंढता हूँ तो वो मुझे मिलता है 7,7 पे, यानी कि 7,7 का जो ब्लॉक है, पिक्सल की पोजीशन है, उस पर एक सर्किल मिलता है और वहाँ से एक लाइन जा रही है, वो सेंटर की मिड पॉइंट की लाइन मेरे को देखने को मिलती है। ओके, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, ओरिजिनल कुछ इस तरह से दिख रहा है, देख पा रहे हो। तो इसमें आप देख पा रहे हो कैसे 0,10 से 10,0 तक पूरी लाइन बन रही है, और बीच में अपनी सेंटर की डेड लाइन जा रही है, वो 7,7 की है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ यार, प्लीज़ अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए प्लेलिस्ट, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। ओके, प्लीज़ शेयर करो अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ। ओके, अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।